हरि प्रसाद माँ दुर्गा के परम भक्त थे। वो हर सारे गांव में नवरात्रि उत्सव पर गरबा का भव्य आयोजन किया करते थे, जिसमें पूरा गांव आमंत्रित रहता था। नवरात्रि उत्सव में सेठ हरि प्रसाद के द्वारा किए जाने वाली गरबा आयोजन की धूम आसपास के सभी गांव तक नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले ही पहुंच जाती थी। देखिए मुनीर जी, गरबा समारोह में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। आप जानते हैं मेरे लिए नवरात्रि उत्सव कितना महत्व रखता है। मैं प्रत्येक 6 माह के बाद नवरात्रि उत्सव आने की प्रतीक्षा करता हूँ। आप नहीं जानते हैं मैं कितना उत्साहित हूँ। इसलिए शहर के बड़े से बड़े गरबा नृत्य करने वाले ग्रुप आप बुला लीजिए, ताकि गरबा आयोजन में खूब रंग जमे। आप चिंता मत कीजिए सर जी, शहर से बात मैंने गरबा नृत्य करने वाले ग्रुप को बुलाया है, बहुत बढ़िया नृत्य करता है। चलो अच्छा है, हमारी प्रीति भी शादी के बाद जमाई राजा के साथ गरबा फंक्शन देखने आ रही है। प्रीति के ससुराल वाले भी बहुत खुश होंगे इतनी तैयारी देखकर। वो भी तो पहली बार इस गरबा आयोजन में भाग लेंगे, बस माँ दुर्गा की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो जाए। अरे प्रीति की माँ, सब कुछ अच्छे से होगा, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से इस बार भी गरबा आयोजन बहुत बढ़िया होगा। सेठ हरि प्रसाद नवरात्रि की तैयारियां जोरों से कर रहे थे, पर सेठ भानु प्रताप जो कि हरि प्रसाद का चचेरा भाई था, वो बहुत ही ईर्ष्यालु स्वभाव का था। जब भी सेठ हरि प्रसाद के बारे में वो किसी के मुंह से वाहवाही सुनता तो जल बन जाता। अरे सर जी, आपने सुना, सेठ हरि प्रसाद जी बहुत भव्य गरबा आयोजन करने जा रहे हैं। क्या तैयारी हो रही है धर्मपुर गाँव में? ये कौन सी नई खबर सुना रहे हो राम प्रकाश? ये तो हर साल का ही नाटक है। सेठ हरि प्रसाद का नवरात्रि के नाम पर फालतू के आयोजन करता फिरता है। सुना है 9 दिन तक हरि प्रसाद जी मेहमानों के स्वागत में लगे रहते हैं, खूब भीड़ और खूब आनंद होता है। अरे ये सब तरीके होते हैं अपने मान सम्मान को बढ़ाते रहने के। ये सब हरि प्रसाद का घमंड है, वो अपने पैसे और रुतबे की नुमाइश करते हैं। अब मैं क्या ही बोलूं सेठ भानु प्रताप। अच्छा चलता हूँ, धर्मशाला में पत्नी और बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, कल धर्मपुर गाँव भी जाना है। अब इतने सारे लोगों के मुँह से गरबा आयोजन की बातें सुनकर सेठ भानु प्रताप गुस्से में आग बबूला हो गया। सुबह सिप्स को देखो, सेठ हरि प्रसाद और गरबा आयोजन की ही बातें कर रहा है। मुझे इस हरि प्रसाद का पक्ष तो क्यों नहीं होगा, हर साल ये गरबा आयोजन बद देता है और जिसको देखो इसकी वाहवाही करता रहता है। मेरा चचेरा भाई है, मेरे तो वो इज्जत ही नहीं करता, इसको देखो हरि प्रसाद के गुण गाता रहता है। सुनो जी, हरि प्रसाद भाई साहब ने गरबा आयोजन का न्योता भेजा है। तो क्या करूँ, चली जा, तुझे जाने है तो मुझे क्यों बताने आ रही है। सेठ भानु प्रताप अपनी पत्नी पर चिल्ला पड़ता है, तभी एक गरबा करने वाला ग्रुप उसकी दुकान पर आता है। सर जी, हमें धर्मपुर गाँव जाना था, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ से कोई बजा क्यों? वहाँ सेठ हरि प्रसाद जी ने हमें गरबा के लिए बुक किया और गलती से हम इस गांव में उतर गए। अब हमें पता नहीं कि वहाँ जाने के लिए बस कैसे मिलेगी, आप हमारी मदद कर देते। मिल गया तरीका, अब मजा आएगा देखकर। जब गरबा आयोजन में गरबा नृत्य करने वाले नहीं पहुँचेंगे तो हरि प्रसाद का कितना अपमान होगा। बहुत इतराता है वो बोलकर कि शहर से गरबा करने वाली मंडली बुलाता हूँ। अब ये सारी बातें दरी के दरी रह जाएंगी। कुछ देर अपने मन में चापलूसी से भरी योजना बनाने के बाद सेठ भानु प्रताप गरबा मंडली वालों से बोला, देखिए आपको सेठ हरि प्रसाद के यहाँ गरबा करके इतने पैसे नहीं मिल पाएंगे जितने पैसे आपको मैं गरबा ना करने के दूंगा। मैं समझा नहीं आपके बात। सेठ भानु प्रताप ने गरबा मंडली के प्रमुख आदमी के कानों में ऐसी बात कही जिसे सुनकर वो खुशी से मुस्कुराने लगे और फिर नवरात्रि उत्सव का दिन आ गया। पर कहीं भी गरबा मंडली वालों का पता पता नहीं था। सेठ हरि प्रसाद परेशान हो गए। अरे मुनीम जी, अब तो गरबा मंडली वाले क्यों नहीं आए? आपने तो कहा था तो दोपहर तक आ जाएंगे, पर अब तो शाम के 6 बज चुके हैं, उनका कोई अता पता नहीं। मैंने बहुत फोन मिलाए पर उनका नंबर ही नहीं मिल रहा है। सेठ जी मैं खुद परेशान हूँ, शहर जाने में कम से कम 4 घंटे लग जाएंगे। नवरात्रि की पूजा के लिए पंडित जी भी बुला रहे हैं, उसके बाद गरबा प्रारंभ करना है। कैसे करोगे, सारे मेहमान आए हुए हैं, नवरात्रि समारोह में सब हमारे यहाँ ही तो गरबा देखने आते हैं। और फिर माँ दुर्गा की पूजा में शुरुआत तो गरबा से ही होती है, सब जोर से होगा। पापा क्या हुआ, कुछ पता चलो? मेरे ससुराल वाले भी बार बार पूछ रहे, सब तैयार है कि गरबा कब शुरू होगा, उन्हें भी गरबा खेलना है। मैंने तो उनसे इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी थी कि मेरे पापा बहुत अच्छा बहुत बड़ा आयोजन करते हैं, पर यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सारा ग्राउंड सुनसान पड़ा है। देवी माँ, यदि मैंने हर नवरात्रि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से आपके स्वागत में गरबा का आयोजन किया है तो मेरी प्रार्थना सुन लो माँ, मुझे इस दुविधा से बाहर निकालो मैया, मेरी मदद करो। क्या बात है प्रीति बाबू, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे पिताजी शहर से बहुत बढ़िया गरबा नृत्य की मंडली बुलाते हैं, पर यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, हम तो बेकार ही तैयार हो गए। अरे तुमने तो कहा था कि गरबा होगा और बहुत देखने वाला होगा,
इस चक्कर में मैं भी तुम्हारे साथ आ गया। मुझे तो पता चला है कि गरबा मंडली वाले आए नहीं है, तो अब गरबा कौन खेलेगा? यहाँ पर कोई तैयारी नहीं कर रही है। पापा बात कर रहे हैं, कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। सब ये कुछ न कुछ बातें ही कर रहे थे। सेठ हरि प्रसाद को घबराहट हो रही थी। हरि प्रसाद की पुकार माँ दुर्गा के कानों तक पहुँचती है। माँ दुर्गा अपनी नौ शक्तियों को बुलाती है, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रकांता, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, आप सभी प्रकट हो। माँ दुर्गा की आज्ञा से नौ देवियाँ प्रकट होती हैं। देवी दुर्गा, आपने हमें याद किया, मुझे आप सभी देवियों की आवश्यकता है। आप सभी देवियों को मिलकर मेरे भक्त हरि प्रसाद के द्वारा किए जाने वाले नवरात्रि उत्सव में गरबा प्रस्तुत करना है। भक्त हरि प्रसाद को हमारी आवश्यकता है। आप जैसा चाहती है वैसा ही होगा देवी दुर्गा। हम नौ देवियाँ गरबा खेलने अवश्य जाएंगी। जैसे ही सेठ हरि प्रसाद माँ दुर्गा से झोली फैलाकर प्रार्थना करता है, अचानक ढोल और नगाड़े बजने लगते हैं। उस रात नवरात्रि के पहले दिन गरबा में खूब रौनक लगी। सब ने गरबा की बहुत तारीफ की और खूब आनंद उठाया। अचानक अगले दिन सुबह सुबह शहर की गरबा मंडली का मालिक सेठ हरि प्रसाद के पास आता है। मेरे से नाराज हो गई। कल रात वो मेरे सपने में आई थी, वो मेरे से बहुत कोपित थी। गरबा मंडली का वो आदमी सारी सच्चाई सेठ हरि प्रसाद को बताता है और अपनी भूल की माफी मांगता है। सेठ हरि प्रसाद उस आदमी को माफ कर देते हैं। माँ दुर्गा ने अपने भक्त हरि प्रसाद की मदद की और अपने भक्त की लाज रखने के लिए नौ देवियाँ गरबा खेलने के लिए खुद धरती पर उतर आई। ऐसी ही है नौ देवियों की शक्ति। ये नौ शक्तियाँ आपस में मिलकर एक शक्ति बनती है और उन्हीं शक्ति की देवी का नाम है माँ दुर्गा, जो अपने सभी भक्तों की सदैव रक्षा करती है। फिर चाहे कोई कितना भी बुरा क्यों न करना चाहे, जब भगवान साथ होते हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जम्मू के पास पहाड़ों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था। वहाँ मोहन नाम का एक किसान रहता था। घर में उसकी बीवी और दो बेटियाँ थी। मोहन फसलें बेचकर दोपहर को घर जाता था और उसकी दोनों बेटियाँ उसके पास आकर कहती थी, पापा पापा आप हमारे लिए क्या लाए हो? चॉकलेट लाए हो ना? नहीं बेटी, बस एक कद्दू लाया हूँ। कद्दू? कद्दू से क्या होगा, हमें तो चॉकलेट खाना है। चॉकलेट से पेट थोड़ी भरेगा बेटी, आज चावल के साथ कद्दू की सब्जी खाएंगे। नहीं, मुझे कद्दू की सब्जी नहीं खानी। ये बोलकर दोनों बच्ची चली गई। मालती ने मोहन से कहा, बच्ची है ना, धीरे धीरे समझ जाएंगी। मैं इतना गरीब क्यों हूँ मालती, मैं अपनी बेटियों को दो चॉकलेट भी नहीं ला के दे सकता, मैं कितना बुरा बाप होना। नहीं जी, आप बहुत अच्छे पिता हो। देखना, वैष्णो माता हमारी सारी परेशानी दूर कर देंगी। जय वैष्णो देवी की। मोहन नहा धोकर वैष्णो देवी की पूजा में बैठ गया। माता, आपको तो सब कुछ पता ही है, ये गरीबे जाते ही नहीं है। बस मेरी दो बेटियों को मैं जिंदगी भर खुश देखना चाहता हूँ। आशीर्वाद दीजिए देवी माँ। जय वैष्णो देवी की। ऐसी ही उसकी जिंदगी बीत रही थी। लेकिन एक दिन गांव के बाहर एक सुपरमार्केट खुल गया। सभी गांव वाले गांव का बाजार छोड़कर सुपरमार्केट में ही अनाज खरीदने के लिए जाने लगे और मोहन के गांव के बाकी सभी किसान अपना अनाज उसी सुपरमार्केट में बेचने लगे। लेकिन मोहन ने ऐसा नहीं किया। अरे भाई, क्यों बेच रहे हो उन लालची लोगों को अनाज? अरे अच्छा घासा पैसा मिल रहा है मोहन भाई है? अरे तुम भी बेचो और ढेर सारा मुनाफा कमाओ। वो हमें बुद्धू बना रहे हैं भाई, अभी वो हमसे महंगा अनाज खरीद के लोगों को सस्ते में बेच रहा है, लेकिन जब सभी सुपरमार्केट ही जाने लगेंगे तब वो हमसे बहुत कम दाम में अनाज खरीदेंगे और हमें तब उन्हें ही बेचना पड़ेगा। है वो क्यों? क्योंकि तब लोग गांव के बाजार में आना बंद कर देंगे। तुम जो भी बोलो मोहन भाई, अब तक देखा जाएगा, अभी फायदा हो रहा है, क्यों ना बेचूं। मोहन को जो बात समझ में आ गई वो बाकी किसान नहीं समझ पा रहे थे। पापा आज आटा लाई हो ना? नहीं बेटी, आज नहीं ला पाया, कल पक्का लाऊंगा। मोहन पूजा में बैठ कर रोने लगा। हे वैष्णो माते, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, तो फिर क्यों मुझे और मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ रहा है?
तभी मोहन के घर के बाहर सुपरमार्केट का मालिक रमाकांत सेठ आए। मोहन, अरे ओ मोहन, मोहन आ। मोहन बाहर आया। क्यों फालतू में रो रहा है? हमें अनाज बेच दे, हम तो खरीदने के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा खासा पैसा दूंगा। मुझे पैसों से नहीं खरीद सकते सेठ, मैं आपको कभी अनाज नहीं बेचूंगा। क्यों फालतू में जिद कर रहा है? एक तू ही है जो हमें अनाज नहीं बेच रहा है, बाकी सब तो मजे कर रहा है हमसे दोस्ती करके। आप दोस्त नहीं दुश्मन हो, बहुत जल्द आप हमारे पेट पे लात मारोगे। अच्छा तो तू हमें अनाज नहीं बेचेगा? नहीं कभी नहीं। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तू उस बाजार में कब तक अनाज बेच पाता है। ये बोलकर रमाकांत चला गया। अगले दिन मोहन बाजार में अनाज लेकर गया। किन तो लोगों ने आकर मिर्ची वगैरह खरीदी और भी सब्जी लोना साहब, साग है, टमाटर है। नहीं, सुपरमार्केट में बहुत कम दाम में मिल रहा है ये सब। ये बोलकर वो आदमी चला गया। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आई। बेटा मुझे साग चाहिए, तेरे पास है ना? हाँ माँ जी, ताजा साग है। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है बेटा, मुझे तो मुफ्त में देगा क्या? घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, साग उबाए कर खा लूंगी। मुफ्त में? ठीक है ले जाइए माँ जी, भूखे पेट सोने का दुख मैं जानता हूँ, ये लीजिए। मोहन ने उस बूढ़ी औरत को साथ दिया। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, माता वैष्णो तुझे बहुत सारी धन दौलत दे। ये बोलकर वो बूढ़ी चली गई और वो हर रोज मोहन के पास आने लगी। इस तरह एक महीना बीत गया और एक दिन मोहन के पास एक अमीर आदमी आया। मोहन, अगले हफ्ते मेरे बेटे की शादी है, उसके लिए जो है मुझे बहुत सारी सब्जियां चाहिए, समझे? करीब 2 लाख रुपए की सब्जियां। 2 लाख रुपए हो जाएगा मालिक, लेकिन आप सुपरमार्केट से मैं खरीद कर मेरे पास क्यों आए हो? अरे सुना है सुपरमार्केट वाले सब्जियों को ज्यादा दिन पर ताजा रखने के लिए दवाई मिला रहे हैं, मुझे ताजी सब्जियां चाहिए भाई। बोलो हो जाएगा ना? हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा। मोहन बहुत खुश हुआ। बस एक हफ्ते बाद मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा, फिर मैं तुम लोगों के लिए चॉकलेट लाऊंगा। हाँ। मोहन की बेटियां भी बहुत खुश हुई, लेकिन ये बात रमाकांत सेठ के कानों में पहुंच गई। दो लाख का ऑर्डर उस मोहन को मिल गया। मुझे पहले से ही पता था कि वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, अब समय आ गया है उसे रास्ते से हटाने का। शादी वाले दिन 2 लाख की सब्जी मेरे सुपरमार्केट से ही खरीदी जाएगी। रमाकांत ने एक गंदा प्लान बनाया। शादी से एक दिन पहले पूरा खेत ताजे सब्जियों से खेल उठा था और तभी रमाकांत वहाँ आया और पीछे से मोहन के सर पर मारा। मोहन बेहोश हो गया और तब रमाकांत सारी सब्जियां चुरा कर ले गया। वो रो ही रहा था कि तभी वहाँ वो बूढ़ी औरत आ गई। रो मत बेटा, तू घर जा, मैं सब ठीक कर दूंगी। सब ठीक कर दो सर। कहा ना तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तूने मेरी मदद की थी, अब मैं तेरी मदद करूंगी। ये बोलकर वो बूढ़ी औरत खेत में उतर गई और पूरे खेत में सब्जियों के बीज फैलाने लगी। उसके बाद पानी भी डाला। मोहन घर चलाया। अगले दिन सुबह सुबह वो अमीर आदमी पैसे लेकर चलाया। उस आदमी को लेकर मोहन खेत में गया। देखो सच में वहाँ सब्जियां ही सब्जियां है। ताजी सब्जियां देखकर उस अमीर आदमी ने मोहन को 2 लाख के बदले 2.5 लाख रुपए दिए। उस आदमी के जाने के बाद ही वहाँ वो बूढ़ी औरत आ गई। क्यों, कहा था ना अब आप कोई साधारण इंसान नहीं हो, आप कौन हो? तभी वो बूढ़ी औरत माता वैष्णो में बदल गई और बोली, वत्स तुझसे मैं प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैंने तेरी मदद की। तू चिंता मत कर वत्स, बुरी शक्तियों का नाश करना ही मेरा काम है। बाजार में फिर से लोग आएंगे, तुझे कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, तथास्तु। माता वैष्णो अदृश्य हो गई। अगले दिन खबर आई कि सुपरमार्केट में आग